श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सुख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंडल वेश वाले होने पर भी मंडल की राशि है। शुक्र देव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रह्लाद भक्ति शिरोमणि हो गए।